वेलकम टू टू इंडिया बॉलीवुड। द केरला स्टोरी पर लगे बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मेकर्स। वेस्ट बंगाल सरकार ने फिल्म पर लगाई है रोक। फिल्म द केरल स्टोरी पर वेस्ट बंगाल की सरकार ने बैन लगा दिया है। इस पर मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और फिल्म पर बैन हटाने की अपील की है। फिल्म द केरल स्टोरी इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हर तरफ इस फिल्म को लेकर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है, जिससे साफ पता चल रहा है कि इस फिल्म को खूब पसंद किया जा रहा है। वहीं तमाम लोग इस फिल्म का विरोध भी कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल सरकार ने एक दिन पहले फिल्म द केरल स्टोरी को राज्य में बैन करने का फैसला किया। अब फिल्म के मेकर्स ने बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल में लगे बैन को हटाने के लिए अपील की है। इसके साथ ही मेकर्स ने भी अपील की है कि तमिलनाडु सरकार सिनेमा घरों के बाहर सिक्योरिटी मुहैया कराए, ताकि फिल्म द केरल स्टोरी दिखाई जा सके। आपको बता दें, तमिलनाडु में फिल्म के बीते रविवार से स्क्रीनिंग रोक दी गई। यहां के मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन का कहना है कि इस फिल्म में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। गौरतलब है कि वेस्ट बंगाल की फिल्म द केरल स्टोरी बैन होने पर प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह और डायरेक्टर सुदीप तोसेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान विपुल शाह ने कहा, हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ की सरकार हमें निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं, फिर भी वहाँ फिल्म दिखाई जा रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।